आगे बढ़ते हैं। राफेल डील पर सियासत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका दे दिया है। इसी मुद्दे पर जानकारी के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर से बात की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर पहुंचे हैं। और सर, तीन राज्यों की जीत के बाद, क्योंकि प्रचार का लंबा समय रहा आपका तीनों राज्यों के अंदर, अब उत्तर प्रदेश कैसे? सबसे पहले तो हमें इस बात का गौरव जो है हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने हमें दिया कि हम आज ये कह सकते हैं कि हम तीन राज्यों के अंदर हमने विजयश्री प्राप्त की है। और जिस तरह की लाइन राहुल जी ने दी थी और उस लाइन को लेकर हम सब लोग जो है जनता के बीच में प्रचार करने के लिए गए, और वो लाइन इतनी सार्थक साबित हुई कि लोगों ने हम पर विश्वास किया। क्योंकि हमारे नेता ने जो कहा, राहुल जी ने जो कहा, और वो हम जगह जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और उसका असर ये हुआ कि उनको लगा कि कांग्रेसी सारे एक ही जबान बोलते हैं, उनका लीडर भी जो बोलता है, बाकी लोग भी, कार्यकर्ता भी वही भाषा बोलते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हर अक्सर ऐसा होता है कि लीडर कुछ बोलता है तो दूसरा लीडर कुछ बोलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इस तरह की तालमेल इस चुनाव में हुई कि जो जो राहुल जी ने कहा वो नीचे ज़मीन तक पहुंचा, और उसका फल हम लोगों को मिला कि हम चुनाव जीत के आए और तीन राज्यों में आज हमारी सरकार बनने जा रही है। अध्यक्ष जी, आज प्रधानमंत्री रायबरेली पहुंचे, कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, उन्होंने जिक्र भी किया कि 2010 में कोच फैक्ट्री बन चुकी थी। देखिए, आप उनकी बात कर रहे हैं जो फीता काटते हैं। एक फीता मंत्री हैं जो 2014 में प्रधान सेवक बन के आए, और उनका काम सिर्फ यही है कि जो कांग्रेस सरकार या यूपीए सरकार में जो भी हुआ है उसका जो है वो वहाँ पे एक फूल मालाएं लगा के उद्घाटन का एक बोर्ड लगा के और उसका फीता काटते हैं। और ये उनका मेरा ख्याल से जो 2010 में जो बनी हुई फैक्ट्री है उसका उद्घाटन करके स्वयं उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि दूसरे के आंगन में वो आकर जो है अपना जो है नाम लिखवाना चाहते हैं। चलिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, आए हैं, इसलिए हम उनके प्रधानमंत्री के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फीता मंत्री के बारे में हम ज़रूर कहेंगे कि फीता मंत्री आखिर कहीं कहीं भी चले, कहीं भी चले जाएं, ये फीते काटते रहें, लेकिन अब दुनिया इनका जो फीता काटने वाली है। आप इस देश की समस्याओं के बारे में बात कीजिए, आप महंगाई के बारे में बात कीजिए, कहाँ है फेंकू और कहाँ मोटा भाई, इन सब तमाम लोगों को आप किसको डरा रहे हैं? जनता हम नहीं डरती, किसान नहीं डरता, नौजवान नहीं डरता, छोड़ दीजिए। धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके का जो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो काम भाजपा सरकार अब कर रही है, इस काम को पहले ही कांग्रेस अंजाम दे चुकी है, पहले उस कोच फैक्ट्री को लगा चुके हैं, जिसका सिर्फ फीता काटने पूरी भाजपा सरकार पहुंचती है। कैसे पवन विश्वकर्मा के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे।